हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कला में। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडबैग बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने दो पार्ट कट किए हैं और उसी के नाप से फॉर्म और नॉर्मल कट किया है। तो इसका नाप है 14x12 इंचेस। अब देखिए, हमें यहाँ पे सिलाई करनी है और फिर सीधी लाइनें करनी है सिलाई करके। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है और सीधी लाइनें भी कर ली है। अब हमें ऐसे यहाँ पे 1.5 इंचेस पे मार्क करना है। दूसरी साइड भी हम मार्क कर देंगे और फिर हमें ऐसे क्रॉस में एक लाइन करनी है और फिर हमें यहाँ से कट कर लेना है और फिर फोल्ड करेंगे और उसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, ऐसे रख के हमें कट करना है। अब हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसी के नाप से हम दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। अब देखिए, दो पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें एक ऐसा पार्ट लेना है 13x8.5 इंचेस। अब ऊपर की ओर ऐसे हमें फोल्ड करना है और फिर सिलाई कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, वो ऐसे रखना है और पूरे राउंड में स्टिच करना है। और देखिए, यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ सेंटर में, वहाँ पे भी हम सिलाई कर देंगे। तो दो पॉकेट हमारे रेडी हो गए। अब हम हैंगर बनाएंगे। तो इसका नाप है 20.5x3 इंचेस। तो देखिए, यहाँ पे हमने हैंगर को फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए, सेंटर में हमें मार्क करना है और फिर साइड में 3 इंचेस पे मार्क करना है और दूसरी साइड भी हम 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। फिर हैंगर को ऐसे लगा देंगे। तो ये हैंगर हमारे लग चुके हैं। अब हमें यहाँ पे 8 इंचेस में मार्क करना है दोनों साइड और फिर हमें उसी का नाप लेके बॉर्डर लेना है। पूरे राउंड का हमें नाप निकालना है। तो ये बॉर्डर हमने कट कर लिया है और इसका नाप है 29.5x4.5 इंचेस। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो मार्क किया था, वहां से हमें बॉर्डर को अटैच करना है और ऊपर की ओर दोनों साइड हमें खुले छोड़ने हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने खुला छोड़ा है ना, वहाँ पे हमें दूसरा पार्ट जो अटैच करना है तो हमें खुला छोड़ना चाहिए। तो ये 15.5x4.5 इंचेस का ऊपर का पार्ट हमने कट किया है और सेंटर में से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें इसी के नाप से जिप लेनी है और ऐसे उल्टी रखनी है और फिर सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमें यहाँ पर प्रेस स्टिच करनी है, ऐसे इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। अब दूसरा पार्ट हमें उसी तरीके से अटैच करना है। अब हम चिप के अंदर रनर डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें बॉर्डर ऐसे अटैच करना है और यहाँ छोटी सी एक प्लेट लेनी है। तो बॉर्डर हमारा अटैच हो गया है। अब हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच करनी है। अब यहाँ से हमें सिलाई लेते हुए दूसरी ओर तक जाना है। अब सिलाई हो गई है। अब हम यहाँ पे जोड़ के प्रेस स्टिच कर देंगे। अब हमें दूसरा पार्ट लेना है और यहाँ से कॉर्नर से ऐसे पकड़ना है और पूरे राउंड में हमें सिलाई करके दूसरा पार्ट जोड़ लेना है। तो ये जुड़ चुका है हमारा। अब हमें ऐसी स्ट्रिप कट करनी है और ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, ये हमारी कवर सिलाई भी हो गई। तो हमारी ब्यूटीफुल सी बैग रेडी हो गई है, जिसमें 3 पॉकेट है और बड़ा सा पॉकेट ये रहा जिसमें बहुत सारा फेस है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।